जैन चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जैन चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। नमस्कार, मैं हूं श्रुति राग और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। राजनीतिक रिश्ता कभी कभी व्यक्तिगत भी बन जाता है। अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल भी जानते हैं यूपी में क्या चल रहा है, आरएलडी और बीजेपी में क्या चल रहा है और जयंत के मन में क्या है। लेकिन राजनीति की मजबूरी देखिए कि दिल है कि मानता ही नहीं। अखिलेश और डिंपल समझते हैं कि जयंत अब उनसे दूर जा रहे हैं। राजनीति का वो चेहरा जो कई चुनाव में साथ रहा, लेकिन इस बार ये जोड़ी टूटने वाली है। टूटने वाले हैं वो रिश्ते, क्योंकि पार्टी बदलते से रिश्ते तो खत्म नहीं होते, लेकिन दूरियां जरूर बढ़ जाती हैं। क्या है राजनीतिक रिश्तों की मजबूरी, आइए इस वीडियो में हम बताते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तभी तो यूपी की पॉलिटिक्स में छाए हुए हैं। वो सत्ता में रहे या विपक्ष में, हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। योगी सरकार पर हमले का कोई मौका हाथ से जाने भी नहीं देते, लेकिन इस बार मामला जयंत चौधरी का है, लिहाजा अखिलेश भी नापतौल कर बयान दे रहे हैं। उनकी पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव को अभी भी भरोसा है कि जयंत चौधरी गठबंधन छोड़कर नहीं जाएंगे। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी MSP का जिक्र नहीं है, और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा, तो मैं नहीं मानती कि जो RLD के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। सुना आपने, रिश्ता अपनी जगह और राजनीतिक मजबूरी अपनी जगह। अब अखिलेश और डिंपल जानते हैं कि गठबंधन से जयंत चौधरी जाने वाले हैं, लेकिन दोनों ऐसे दावे कर रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लग तो ऐसा ही रहा है कि जयंत की बीजेपी से बात हो ही नहीं रही। यही तो राजनीति की मजबूरी है। जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि जयंत NDA गठबंधन में जा रहे हैं, तब तक ना मानने की जरूरत है और ना इस पर बोलने की जरूरत है। बस इंतजार है आखिरी वक्त तक का। क्या पता जयंत चौधरी की बीजेपी से बात बन ही ना पाए और मजबूरन वो इंडिया गठबंधन में ही रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।